इन सब चीजों के मैं अधिकृत नहीं हूं भैया। सर आप बातचीत तो सबसे होती है, बदलाव देखिए संपर्क मेरे पांच मेरे प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल लाइफ में, संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच, इसी पे मेरा जीवन कटा है। सर जिस तरह से आपने खुद घोषित रूप से कहा कि कांग्रेस के शिव हैं, विष पीने का काम आप करते हैं, तो जो गणक उठे उनको मनाने का फॉर्मूला क्या है? विष पीना। सर देखिए बात यह है कि आपने सुना हमारा और कमलनाथ जी का संवाद, जिसको टिकट ना मिले वो दिग्विजय सिंह कपड़े फाड़ो, जयवर्धन कपड़े फाड़ो, फाड़ो खड़े चलिए, उसी का नतीजा क्या जी, ये विरोध जो हो रहा है उसी का नतीजा है। किसका? कपड़े फाड़ने का। मैं तो तैयार फाड़ू भी कपड़े, मेरा तो एक ही बार कपड़ा फटा है एज चीफ मिनिस्टर, जब अजीत जोगी का चयन मुख्यमंत्री का मैंने करवाया, तभी विद्याधर शुक्ला जी के घर पर उनके कार्यकर्ताओं ने मेरा कुर्ता खींचा, उसमें मेरा कुर्ता फट गया। एक सवाल और था, जब सीएम का चयन करते हैं तभी कुर्ता फटता आपका जी, कुर्ता फटा जी, यहाँ भी जब भी सीएम का चयन की बात आती है कमलनाथ जी सीएम लगभग तय हो गए। देखिए यहाँ अभी फटा नहीं है, वहाँ फटा था। सुबह आपने ईवीएम को लेकर के ट्वीट किया था, आज सुबह आपने ट्वीट किया, मैं आज भी बीजेपी चुनाव आयोग को ज्ञापन दी है कि आपने गलत तरीके से चुनाव आयोग के सवाल खड़े कर बीजेपी। सर आपने जो ट्वीट किया उसके आप क्या कहेंगे? मैं उस पर कायम हूँ, इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है, ये बुनियाद है लोकतंत्र की। हमारा कहना एक है कि हमने बटन दबाया, बटन दबा के 7 सेकंड के लिए हमारे को दिखा और डब्बे में गिर गया। अब कई लोग देख नहीं पाए तो डब्बे में गिर गया, अब क्या करो। हमारी मांग केवल यह है कि वीवीपैट, अब ईवीएम से चुनाव कराओ, मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, ये बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं एक मतदाता हूं, मेरा ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है कि मेरा वोट सही रिकॉर्ड हो, सही जगह जाए और सही काउंट हो, ये मेरा अधिकार है। वीवीपैट में पता ही नहीं पड़ता है। हमारा इनसे कहना यह है कि आप जो मशीन में, आज विश्व में जिस मशीन में चिप लगी हो वो टैम्पर प्रूफ नहीं है, टैम्पर हो जाता है। अरे आरबीआई रशिया की, रिजर्व बैंक ऑफ रशिया, रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश, सैकड़ों हजारों अभी से उनके करेंसी का पैसा निकल गया, पता ही नहीं पड़ा। जब वो हो सकता तो ईवीएम क्या चीज है? हमारा कहना यह है कि आप, अच्छा दूसरी बात एक और है, इसके 3 अंग होते हैं, बैलेट यूनिट जहां बटन दबाते हैं, दूसरा वीवीपैट यूनिट और तीसरा होता है काउंटिंग यूनिट। ठीक है, वीवीपैट में चिप रहती है, काउंटिंग यूनिट में चिप रहती है और दोनों में सॉफ्टवेयर डला हुआ है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटर को जानते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा, आपका मेरा आदेश नहीं मानता। अब सॉफ्टवेयर किसने डाला, क्या सॉफ्टवेयर है, इलेक्शन कमीशन को उजागर क्यों नहीं करता? उजागर करे, निष्पक्षता से उजागर करे, क्यों नहीं उजागर करते? हमारी मांग है। मैंने इस देश के टॉप कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट से बातचीत की है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आईआईटीज के, उनसे मेरी चर्चा हुई है, इंटरनेशनल क्रिप्टोग्राफर्स के साथ हमारी बातचीत हुई है और उस पर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था जस्टिस लोकर कमिश्नर ने के अध्यक्षता में,
कुछ प्रश्न हमारे हैं वीवीपैट के बारे में, इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। वो टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हमारे उत्तर दे दो। इलेक्शन कमीशन हमारा मिलने हमसे तैयार नहीं है। कहा कि हम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का जवाब आपको भेज रहे हैं, आप उसमें देख लीजिए। अरे उसमें है ही नहीं, हमने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं उसमें है नहीं। आप कह रहे हैं कि उसमें एफएक्यूज में देख लीजिए। हमारा वोट बैलेट यूनिट में जाता है, उसका उस पर चिप नहीं है, वो उससे केबल लगा हुआ है। आदेश वीवीपैट जो स्लिप देती है, वीवीपैट मशीन देती, वो आदेश काउंटिंग मशीन में जाता है, बैलेट यूनिट का आदेश नहीं जाता।